हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। हम बात करने वाले इस वीडियो में आज संवर्धना मदरसन शेयर के बारे में। लगभग आज आपको काफ़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अगर आपके पास इसका स्टॉक अवेलेबल है पोर्टफोलियो में, तो आपने दोस्तों बात को समझ लिया होगा कि आज पूरा मार्केट क्रेश समझ लो आप, क्योंकि पूरा पूरा मार्केट आज डाउन था। अब दोस्तों सवाल काफ़ी उठ रहे हैं मन में, काफ़ी क्वेश्चन भी उठ रहे हैं कि बजट से पहले ये क्या हो गया है, यहाँ पे बजट से पहले गिरावट क्यों हुई है, क्या बजट के बाद गिरावट होगी मार्केट में, क्या बजट के बाद मार्केट क्रेश होगा, या क्या करना चाहिए। यहाँ पे हम आगे बात करेंगे। देखो, एक बात मैं पहले आपको बोल दूँ, ये जो गिरावट है ना, आपको ये गिरावट हर एक मंथ में देखने को मिलती है। इतनी बड़ी गिरावट जुलाई में भी, जून में भी हुई थी, अगस्त में भी, जुलाई में, जून में भी हुई थी, जुलाई में भी हुई है, आज हो गई जुलाई में गिरावट एक बार फिर से, और हो सकता है कि मई में भी आपको देखने को मिलती गिरावट, बड़ी गिरावट। अब काफ़ी क्वेश्चन भी आ रहे हैं मन में कि क्या यहाँ एग्जिट करें, स्टॉक से क्या स्टॉक सेल करें, क्या करें। देखो, ये गलतियाँ बिल्कुल ही मत करना है यहाँ पे। जो ये गिरावट है ना, एक नॉर्मली गिरावट होती है, हर दिन हर एक मंथ में होती है गिरावट, नॉर्मली गिरावट, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। बस आपको अगर मदरसन का स्टॉक आपके पास अवेलेबल है पोर्टफोलियो में, तो ये मत सोचना आपकी एग्जिट करोगी, एग्जिट करने की गलती आप मत करना। आपको करना टारगेट फोकस आने वाले टाइम के लिए, टारगेट काफ़ी बड़ा होने वाला है इस बार का, क्योंकि इस बार 230 को पार, ये बात इसके ऊपर लागू हो जाएगी अगले मंथ में, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है स्टॉक की। हो सकता है कि बोर्ड मीटिंग में कुछ फैसला आ सकता है यहाँ पे।